Good afternoon, everybody. Today we'll study about organic reactions. Organic reaction क्या चीज है? कोई भी organic compound जिसे हम substrate और reagent add करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्हें हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ते हैं। सब्सट्रेट क्या चीज है? कोई भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को हमने सब्सट्रेट कहा। और रिएजेंट क्या चीज है? रिएजेंट जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स, ये सब रिएजेंट कहलाते हैं। और इनकी रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ये रिएक्शंस कब होंगी, क्यों होंगी? जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तब रिएक्शंस विजिबल होती हैं। फ्री एनर्जी चेंज जब नेगेटिव होता है तब रिएक्शन हो पाती हैं। रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो हमें फिजिकल पैरामीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मालूम चलता है, के द्वारा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है? इट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सपोज आई राइट पी फॉर प्रोडक्ट, R, S for substrate and R for reagent। तो इस तरह से product upon reactant करके हम K की value find out करते हैं। जितना K ज्यादा होगा उतना reaction product के side गई है, और अगर K की value कम आती है मतलब reaction के अंदर substrate और reagent ही अधिक मात्रा में पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसे दिखाने में तो हमने ये रिएक्शन को एक स्टेप में दिखा दिया, पर हर रिएक्शन का होने का कोई ना कोई मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब जैसे हमें घड़ी के अंदर सुइयां घूमती हुई दिखती है लेकिन उसके पीछे कोई मैकेनिज्म है जिसके कारण वो सुइयां घूम रही है, उसी तरह से यहां पर भी रिएक्टेंट में सब्सट्रेट और रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होके डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं आता। बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बन सकता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। क्या फर्क है ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में? क्या फर्क है? इंटरमीडिएट जो होते हैं वो स्टेबल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जो स्थाई हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट कहलाते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है रिएक्शन का, जहां बहुत ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस है, बहुत कम देर के लिए जो रहता है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। तो इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि किस तरह से कोई रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट से पहले क्या इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट फर्दर कोई कई बार दूसरे इंटरमीडिएट में बदल सकता है या फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो मैकेनिज्म के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जब मैकेनिज्म की बात आती है तो बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का बनना दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस भी हो सकता है, और कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पहले बॉन्ड टूटता है फिर उसके बाद नया बॉन्ड बनता है, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर पहले बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कार्बोकेटायन बना सकता है, अगर कार्बन के से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज जुड़ी हो तो इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एटम के साथ चले जाएंगे और कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ या बॉन्ड बना या दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हुए, ये सब चीजें हम मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। इस तरह से हमने एक दिखाया कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इस तरह से कोई भी रिएक्शन को दिखाया जा सकता है। जब भी मैकेनिज्म की बात आती है तो वहां आप देखें अपने रिएक्शंस के अंदर कई तरह के एरो बनाए हुए होते हैं, है ना। ये ऊपर वाला एरो जो है, ऊपर वाला एरो, ये वाला हाफ हेडेड एरो, फिश हुक भी कहा जाता है। क्यों दिखाते हैं ये एरो, कब कब काम आता है? ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी, ये इन दोनों के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना, लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को उस तरह के हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं, फिश हुक भी कहा जाता है। इस क्लीवेज को क्या कहेंगे, जहां पर रिस्पेक्टिव एटम्स के इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के पास चले जाते हों, इसे
होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, होमोलाइसिस, ठीक है। और ये जो कर्व्ड एरो दूसरा दिखाया है ये वाला, ये एरो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी पे जाएंगे तो इस तरह के कर्व्ड एरो से दिखाया जाएगा। कर्व्ड एरो का मतलब मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाफ हेडेड एरो का मतलब मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो देखिए दोनों तरह के हमने क्लीवेज बताए हैं। ये नीचे वाला होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, जहां ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास हाफ हेडेड एरो से दिख रहा है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास हाफ हेडेड एरो से दिख रहा है ना, और इससे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलक जो है काफी क्रियाशील होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कंप्लीटली, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अधिक क्रियाशील, मध्यवर्ती का काम करते हैं। देन ऊपर जो दिख रहा है ए बी के बीच में, हमने एरो को बी के ऊपर बनाया, क्यों बनाया बी पे, ए और बी में से ये माना कि बी ज्यादा विद्युत ऋणी है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन बी अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ और इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले में हमने दिखाया ए बी में से दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए के पास आ रहे हैं, अगर ऐसा हो कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाएंगे, और प्रोडक्ट में क्या आया, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव आया। तो इस तरह से हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है, आयन पेयर बन जाता है, इस तरह से आयन पेयर। यही ए अगर मान लीजिए कार्बन है, सपोज है ना, ए अगर कार्बन है तो जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उसे कहेंगे कार्बोकेटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे डेवलप होता है तो कार्बेनायन। फिर अब रिएक्शन के अंदर मैंने कहा, ये तो हुआ सबस्ट्रेट की बात, जहां मैंने बताया दोनों तरह के क्लीवेज हो सकते हैं, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक से रेडिकल्स बन गए और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से आयन पेयर बन गया। और रिएजेंट जो है उनके बारे में अब देखते हैं अपन। रिएजेंट भी इसी तरह से नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, स्वयं इलेक्ट्रॉन धनी है और इलेक्ट्रॉन शूद्र केंद्र पर आक्रमण करते हो, उन्हें हम नाभिक स्नेही कहते हैं। तो ये ऊपर जो नाभिक स्नेही दिखाए हैं, कुछ आप देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, नाभिक स्नेही दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, है ना। न्यूट्रल वो होंगे जैसे जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे एटम आते हों जिनके ऊपर लोन पेयर रह जाता है, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, उदासीन नाभिक स्नेही। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, और वो ऋण आवेशित नाभिक स्नेही। तो यहां कुछ उदाहरण आपको दिख रहे हैं, OH नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव, CN नेगेटिव, ये सब नाभिक स्नेही का काम करने। एक एग्जांपल आपको दिख रहा है जिसमें प्लस का चार्ज दिख रहा है, हाइड्रोजीनियम कहते हैं इसे, है ना। इसमें दूसरे वाले NH2 पे ये जो दिख रहा है, ये NH2 है ना, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, इस N पे तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इस N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ये भी नाभिक स्नेही का काम करेगा, है ना। और नाभिक स्नेही ल्यूविस शार है। क्या है ल्यूविस शार? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं उन्हें हम ल्यूविस बेस कहते हैं। और क्योंकि ये नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, धनी हैं, इसलिए इन्हें ये सब ल्यूविस बेस का काम करते हैं, ल्यूविस शार। दूसरा रिएजेंट जो है इलेक्ट्रोफाइल हैं। इन इलेक्ट्रोफाइल में आप देख रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे? जो स्वयं इलेक्ट्रॉन शुद्र हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर, ऋण आवेशित केंद्र पर आक्रमण करते हो, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जैसे यहां पर ये सब प्लस चार्ज वाले, H+, CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन, और इसी तरह से कई मेटल आयन्स भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा है, जहां मेटल आयन सेंट्रल मेटल का काम करता है और लीगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना।
तो मेटलाइन किस तरह का काम कर रहा है? एक तरह से ल्यूविस एसिड कह दीजिए, या इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक की तरह काम कर रहा है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक दिखाए हैं हमने, जिन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्यों है? इसमें जैसे AlCl3 है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो न्यूट्रल स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक में आते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक हमने दिखाए, और इन्हें हम ल्यूविस अम्ल क्यों कहते हैं? ल्यूविस अम्ल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें हम ल्यूविस अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल तो हो गए ल्यूविस एसिड, और न्यूक्लियोफाइल हो गए ल्यूविस बेस। ठीक है, तो ये दो तरह के रिएजेंट हमने देखा, इन्हीं के आक्रमण से विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रही हैं। एक प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि BF3 नाभिक स्नेही है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बोरोन के आउटर मोस्ट में आप जानते हैं 2-3 कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का क्या है, एटॉमिक नंबर 5 और 2-3 कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे हैं, अष्टक पूरा नहीं हो रहा, तो नाभिक नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा? अष्टक पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। ठीक है, ये BF3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है। इसमें आप बताएं, जैसे इस तरह के प्रश्न में एल्कीन दी है और हाइड्रोनियम आयन दिया है ना, और उससे हमें एक इंटरमीडिएट कैटायन वाली स्पीसीज मिल रही है, तो इनमें पूछा है ये जो एल्कीन है किस तरह का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक नहीं, मुक्त मूलक, कैटलिस्ट या ल्यूविस एसिड। तो इसमें आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्कीन जो है उसका देखो पाई बॉन्ड चला गया, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H3O पॉजिटिव में से H+ को जोड़ने के काम में ले लिए हैं। ये जो H3O पॉजिटिव है इसमें से H+ इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है हमने यहां पे, है ना, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आए पहले और यहां पे से H+ इस कार्बन पे जुड़ गया, है ना। तो अब इसमें दिखाया नहीं हमने H+, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहां से H+ इस कार्बन पे आ चुका है और इस कार्बन पे धनावेश आ गया। तो एक तरह से एल्कीन ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम किया। तो ये किस तरह का काम कर रही है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। एल्कीन क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का काम कर रही है। ये देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह। अब विभिन्न प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी सब्स्ट्रेट में कोई एक एटम या ग्रुप अन्य किसी एटम या ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता हो, है ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन का मतलब होता है जब किसी संतृप्त क्रियाकारक में से निकटवर्ती कार्बनों पे से या एक ही कार्बन पे से दो परमाणु या समूह निकल रहे हों और हमें या तो असंतृप्त पदार्थ प्राप्त होता हो, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एलिमिनेशन का मतलब है कि संतृप्त वाली चीज असंतृप्त में बदल जाएगी। संतृप्त मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे, अगर हमने एडजेसेंट पास पास वाले कार्बन पे से कुछ कुछ हटा दिया तो उन दोनों कार्बनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा और असंतृप्त हमें उत्पाद मिल जाएगा। कई बार एक ही कार्बन पे से दो एटम भी हट सकते हैं, उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। जब एक और दो नंबर कार्बन पे से अगर कोई कोई एटम या ग्रुप हटाते हैं वो बीटा एलिमिनेशन कहलाता है, और अगर एक अल्फा पे से और एक गामा पे से करते हैं एलिमिनेशन तो गामा एलिमिनेशन कहलाता है। उससे कई बार रिंग कंपाउंड बन जाते हैं एलिमिनेशन में। देन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एक जैसे दो मॉलिक्यूल या हम दो भिन्न मॉलिक्यूल की अभिक्रिया कराएं जिनमें छोटे पदार्थ जैसे H2O, अमोनिया, HCl, एल्कोहल ऐसा निकल के और प्रोडक्ट आता हो, उसे हम कंडेंसेशन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। जैसे अपन एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है
उनके द्वारा हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। देन योगात्मक एडिशन रिएक्शन, इसमें असंतृप्त क्रियाकारक के ऊपर हम कोई पदार्थ, कोई रिएजेंट ऐड करते हैं जो दोनों कार्बनों पे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उनमें हम योग के द्वारा संतृप्त यौगिक बनाएंगे। तो मतलब दो रिएक्टेंट से एक बन जाए, मतलब एक सबस्ट्रेट था उसमें हमने कोई रिएजेंट ऐड किया जो कि असंतृप्तता जहां थी वहां दोनों जगह पे, दोनों कार्बनों पे कुछ कुछ ऐड हो गया और उससे हमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल गया, संतृप्त उत्पाद प्राप्त हो गया, वो पढ़ेंगे हम एडिशन रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जहां एक ही मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप अपनी एक जगह, ग्रुप या एटम एक जगह से हटके अन्य स्थान पे जा रहा हो, वो कहलाता है रीअरेंजमेंट। आइसोमराइजेशन का मतलब है जहां एक प्रकार का समावयव दूसरे समावयव में बदल जाता है। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में ये मुख्य छह अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं। अब क्योंकि हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कई तरह के टाइप्स हैं, पहले हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करेंगे, है ना। अब प्रतिस्थापन, जैसे किसी क्रियाकारक के अंदर अगर प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा होता हो तो वो कहलाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, और अगर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और अगर नाभिक स्नेही द्वारा होता हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इस तरह से प्रतिस्थापन फिर तीन प्रकार का हो गया, है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये हमने यहां पर दिखाया है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक कब बनते हैं, समान शिखंडन कब होता है, जब गैसीय फेस हो या हीट या लाइट उपस्थित हो, तब जनरली होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और रेडिकल्स बन जाते हैं। तो इसमें हमने मीथेन का क्लोरीनेशन दिखाया है, ये मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से मैथिल क्लोराइड बन रहा है, और ये लाइट की उपस्थिति में या हीट की उपस्थिति में भी ये रिएक्शन हो सकती है। आप देख रहे हैं यहां पर H हटके और Cl आ गया है, ये देखो यहां पे Cl आ गया, है ना। देखने में रिएक्शन लगता है कि एक स्टेप में हो गई, लेकिन ये रिएक्शन, इसकी जो क्रियाविधि है वो देखेंगे तो इसमें तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप है श्रृंखला प्रारंभ करने का पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या हो रहा है, ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, समान विखंडन, जहां दोनों बंधित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव एटम्स के ऊपर जा रहे हैं, है ना, और उसे हाफ हेडेड एरो से दिखाया है, और उससे क्या प्राप्त हुआ, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। तो श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में अणु से मुक्त मूलक बनता है, मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू द फ्री रेडिकल। फिर है श्रृंखला संचरण पद, प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप का मतलब होता है जहां एक तरह का रेडिकल दूसरे रेडिकल में बदल जाए, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं सीएल रेडिकल की रिएक्शन जब मीथेन से हो रही है तो उससे मिथाइल रेडिकल बन गया, और जो एच है वो सीएल के साथ कंबाइन करके एचसीएल दे रहा है। तो आप देख रहे हैं एक रेडिकल सीएल मैथिल रेडिकल में बदल गया है। तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में बदले, वो पढ़ते हैं श्रृंखला संचरण पद में, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो यहां H और C के बीच में समांश विखंडन हो रहा है, और ये H के इलेक्ट्रॉन और इस Cl के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंद बन गया HCl, और CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो CH3 मूलक बना है, ये मूलक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा वापस से, इस क्लोरीन में फिर से समांश विखंडन हो रहा है ना, समांश विखंडन के द्वारा Cl मूलक इस CH3 से कंबाइन करेगा और मैथिल क्लोराइड जो उत्पाद हमें चाहिए वो बन गया, और दूसरा रेडिकल क्या आया, सीएल रेडिकल आ गया। तो मैथिल से शुरू किया था और सीएल रेडिकल आ गया। तो संचरण पद वो होते हैं जहां एक प्रकार का मूलक दूसरे मूलक में बदल जाता है, ठीक है। ये है टर्मिनेशन स्टेप, है ना, समापन पद। श्रृंखला समापन में क्या होता है, जितने भी अभिक्रिया के दौरान मूलक बने थे वो सब मूलक से अणु बन जाना। तो यहां आप देख रहे हैं दो Cl मूलक, उनकी क्रिया से Cl2 बन गया, CH3 मूलक और Cl मूलक के द्वारा मैथिल क्लोराइड बन गया, दो मैथिल मूलक आपस में क्रिया करके एथेन बना रहे हैं। तो जो भी
अभिक्रिया के दौरान मूलक बने हैं उनमें कोई भी संभावना हो सकती है, आपस में कंबाइन करके और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बिल्कुल टर्मिनेशन स्टेप प्रारंभ करने वाले पद का बिल्कुल विपरीत है। वहां अणु से मूलक बन रहा था, यहां दो मूलक के जुड़ने से अणु प्राप्त हो रहा है और संचरण में एक मूलक दूसरे मूलक में बदल रहा था। मान लीजिए हमने तो अभिक्रिया को मेथिल क्लोराइड पे ही छोड़ दिया, अगर हम क्लोरीन की अधिक मात्रा रखते हैं तो मेथिल क्लोराइड से डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन के बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड तक अभिक्रिया जा सकती है। ये एक प्रश्न है, इसमें यह दिखाया कि प्रोपेन को अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं और लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं तो इसमें दो प्रकार के उत्पाद आ रहे हैं, है ना। क्यों आ रहे हैं दो प्रकार के उत्पाद? क्योंकि आप देखोगे तो ऐसा कार्बन जो एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा हो इसे हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन, है ना। इधर वाला कार्बन भी एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को भी प्राथमिक कार्बन कहेंगे। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं ये कहलाते हैं प्राथमिक हाइड्रोजन, जो नीले से दिखाए हैं। बीच वाला कार्बन जो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है इसे कहते हैं द्वितीयक कार्बन, है ना। तो द्वितीयक कार्बन में से H हटने की संभावना अधिक होती है क्योंकि द्वितीयक मूलक अधिक स्थायी है। तो अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट तो वो आ रहा है जहां प्राथमिक हाइड्रोजन हट रहा है, ये देखें यहां प्राथमिक हाइड्रोजन को हटा के हमने Cl लगाया है तो ये बन गया 1-chloropropane। और जब द्वितीयक हाइड्रोजन को हटा के और Cl आता है ये रहा, ये 2-chloropropane, है ना। द्वितीयक मूलक का स्थायित्व अधिक होने के कारण 2-chloropropane अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस तरह से मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर हाइड्रोजन के प्रकार अधिक हो तो मोनोहैलोजिनेटेड एकल हैलोजिनेटेड उत्पाद की संख्या अधिक होगी। ये दूसरा प्रश्न जिसमें ये दिखा, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये अपन ने रिएक्टेंट दिया, रिएक्टेंट का IUPAC नाम देखें तो 2-methyl-butane, 2-methyl-butane, और Cl2 से रिएक्शन कराएं और पूछा कि कितने इसमें मोनोक्लोरिनेटेड समावयव प्राप्त होंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करें। देखो हाइड्रोजन बताते हैं पहले, ये हाइड्रोजन जो हैं तीनों प्राथमिक हैं, ये वाले तीनों हाइड्रोजन भी प्राथमिक हाइड्रोजन क्योंकि ऐसे कार्बन पे हैं जो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, और ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये भी प्राथमिक हाइड्रोजन है ना, और ये ऐसा कार्बन है जो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। क्या इसमें द्वितीयक कार्बन है? हाँ, इसमें द्वितीयक कार्बन है, ये वाला जिसपे कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है और इसपे ये दो हाइड्रोजन है। क्या इसमें तृतीयक कार्बन भी है? हाँ, ऐसा कार्बन जो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हो, ये रहा ऊपर ये और इधर ये, है ना, ये तृतीयक कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर भी एक H उपस्थित है ना। तृतीयक में से H हटने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्यों? क्योंकि तृतीयक मूलक जो बनेगा उसमें उसको हम अति संयुग्मन द्वारा उसके स्थायित्व को समझा सकते हैं। तृतीयक मूलक का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्वितीयक मूलक और उससे कम प्राथमिक मूलक, है ना। अब इसमें कैसे प्रोडक्ट आते हैं एक बार देखें। इस किनारे से हम H को हटाते हुए Cl लगाएंगे, है ना, और जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका IUPAC नाम लिखेंगे। जब तक अलग अलग IUPAC नाम वाले उत्पाद आ रहे हैं मतलब वो सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं, इसी से शुरू करते हैं। तो ये देखो, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देता हूं, किनारे वाले में से मैंने H हटा के एक Cl लगा दिया और एक HCl बन के निकल जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1-chloro-3-methyl-butane। उसी तरह से अब Cl को आगे आगे लेते जाओ और IUPAC नाम लिखते जाएंगे। अब द्वितीयक कार्बन पे
क्या अलग आईयूपीएसी नाम आएगा? हां, 2-chloro-3-methyl-butane। उसके बाद सीएल को इसके आगे वाले कार्बन पे लगा के चेक करें। अब जब यहां सीएल आ गया तो नंबरिंग इस साइड से, क्योंकि ये पास पड़ रहा है दोनों के सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और नाम हो जाएगा 2-chloro-2-methyl-butane। इसी तरह से अब इधर का और ये कार्बन दोनों बच गए हैं। इनके हम अगर और प्रोडक्ट्स देखें यहां देखते हुए नाम बताएंगे तो 1-chloro-2-methyl-butane। अभी भी एक कार्बन बच रहा है, ये ऊपर वाला। क्या इससे अलग प्रोडक्ट आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अब सीएल यहां पर है और इस कार्बन पे मिथाइल है। नंबरिंग इस कार्बन से हो जाएगी 1, 2, 3 और 4। क्या नाम हो गया? 1-chloro-2-methyl-butane। ये और ये नाम सेम है, इसका मतलब ये दो अलग अलग समावयव नहीं है, ये एक ही है, है ना? तो अब कितने उत्पाद बने? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले समावयव के लिए अगर पूछते हैं एकल प्रतिस्थापी कितने उत्पाद प्राप्त होंगे, तो आंसर होगा 4। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है कि C5H12, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C5H12, और उसमें पूछा कि इसका कौन सा समावयव केवल एक मोनोप्रतिस्थापी उत्पाद देता है। तो ये तो हमने देखा कि इसका आइसोपेंटेन या 2-methyl-butane जो है वो तो 4 दे रहा है, तो ये आइसोमर तो नहीं है। और इस C5H12 के कौन कौन से आइसोमर आप जानते हैं? एक नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो उसमें से आइसोपेंटेन तो नहीं है। अब बचा नॉर्मल पेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन क्या चीज है? जहां पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर इसमें मैं क्लोरिनेशन करूं तो यहां अगर लगाएंगे तो 1-chloro-pentane, यहां सीएल लगाएंगे तो 2-chloro-pentane, यहां सीएल लगाएंगे तो 3-chloro-pentane आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे भी लगाता हूं तो वापस से 2-chloro-pentane हो जाता है, और अगर इसमें लगाएंगे तो फिर से 1-chloro-pentane हो जाता है। तो कितने उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं? 3। यहां पर हमें 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं नॉर्मल पेंटेन के लिए, एन पेंटेन। और पूछा क्या था हमने कि किससे केवल एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसके लिए अब नियो पेंटेन बनाएं। ये नियो पेंटेन है, इसमें आप देख रहे हैं कि सारे कार्बन बीच वालों को छोड़ दें अगर, तो चारों तरफ के जो कार्बन हैं वो प्राथमिक कार्बन है। केवल एक ही प्रकार का हाइड्रोजन यहां पर है, प्राथमिक हाइड्रोजन। इनमें से हम किसी में से भी अगर H हटा के और Cl लगाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। चेक करके देखें एक बार, इसमें यहां से H हटा के Cl लगाओ, क्या नाम होगा? 1, 2 और 3। मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन है, 1-chloro-2-2-dimethylpropane। इसी तरह से अगर हम आगे इनमें से किसी भी कार्बन पे से H हटा के Cl लगाते हैं, आप देखेंगे यही नाम वापस आ रहा है, CH3
इस वाले पे अगर CH2Cl कर दिया, यहां CH3, यहां CH3, 1, 2 और 3, फिर से आप देख रहे हैं 1-chloro-2,2-dimethylpropane। तो आप इसमें किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को H को Cl से प्रतिस्थापित करेंगे तो केवल एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद चाहिए तो नियोपेंटेन आंसर है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि चार प्रोडक्ट आ रहे हैं ये, है ना, ये अपन ने देखे कि ये वाले ये चार प्रोडक्ट इसको। फिर अगला प्रश्न ये पूछा, ये दो रेडिकल दिखाए हैं और उससे प्रोडक्ट बन गया, अभी अपन ने जितना पढ़ा उसमें से कौन सी अभिक्रिया है ये, प्रोपगेशन, एलिमिनेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। बताया था आपको कि जब दो मूलक से अणु बनता हो तो वो कहलाता है समापन पद, टर्मिनेशन स्टेप। तो ये क्या हुआ, एक तरह से टर्मिनेशन स्टेप है, क्योंकि आप मैथिल मूलक और सीएल मूलक से मैथिल क्लोराइड बना रहे हो। जब अणु से दो मूलक बनते हो तो इनिशिएशन स्टेप, संचरण पद, श्रृंखला प्रारंभ पद, और जब दो मूलक से अणु बनता हो तो ये टर्मिनेशन स्टेप है, तो फोर्थ आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट तरह का सब्स्टिट्यूशन, ये तो था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहां अपन ने देखा कि मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है और ये जनरली संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के अंदर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन पाया जाता है। एल्केन में मीथेन का क्लोरिनेशन जैसे अपन ने देखा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन पाया जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है रिएक्टेंट के अंदर कोई नाभिक स्नेही किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित कर दे। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हमने नाभिक स्नेही OH नेगेटिव से कराया और ये OH नेगेटिव X को प्रतिस्थापित करके एल्कोहल बना रहा है और X नेगेटिव बन रहा है ना। तो इस तरह की अभिक्रिया जहां कोई नाभिक स्नेही क्रियाकारक के किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करता हो तो वो कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अगर क्रियाविधि देखते हैं तो दो प्रकार की क्रियाविधि है, SN1 और SN2, है ना। इन दोनों क्रियाविधियों को हम एक बार देखें, पहले ये SN1 क्रियाविधि देखो। SN1 क्रियाविधि किसके द्वारा दी जाती है, तृतीयक एल्किल हैलाइड के द्वारा। ये हमने बनाया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, और इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें इस वाले बंध का कार्बन और ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा विद्युत ऋणी है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ जाके Br पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। तृतीयक कार्बोकैटायन मध्यवर्ती, स्लो स्टेप जो है गति निर्धारक पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे किसी मारुति बनाने की इंडस्ट्री है, मान लीजिए उसमें एक दिन में 100 वाइपर्स बन रहे हैं, है ना, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं सपोज 1000 बन रहे हैं, टायर सपोज 500 बन रहे हैं, लेकिन इंजन एक दिन में 2 ही बन रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं मारुति के बनने की दर क्या है तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड कर रही है, उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन किस पर डिपेंड कर रही है, सबसे मंद पद पर। तो इसी तरह से यहां ये मंद पद है जो कि गति निर्धारक पद है, है ना। अभिक्रिया की दर मंद पद के क्रियाकारक पे ही निर्भर करेगी, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन है इसका संकरण अवस्था बताएंगे, कार्बोकैटायन की संकरण अवस्था sp2 होती है, है ना, प्लेनर समतल है। अब इस कार्बोकैटायन समतल होने का मतलब है जैसे कार्बन और उससे तीन मेथिल समूह एक ही तल में है। अब नाभिक स्नेही ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है और उसके नीचे के साइड से भी आक्रमण कर सकता है,
है ना, प्लेनर होने के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है। तो इस तरह से दूसरे पद में ये दिखा देते हैं अपन, पहला पद, दूसरे पद में यही कार्बोकेटायन दोबारा दिखाया हमने, और इसमें OH नेगेटिव नाभिक स्नेही का आक्रमण फ्रंट या बैक, मान लीजिए अपना ये कार्बन इस तरह से है बीच में, जिसके ऊपर एक मैथिल ऊपर और दो मैथिल इधर साइड में है, इस प्लेन में मान लो आपका कार्बन और तीनों मैथिल हैं, तो नाभिक स्नेही फ्रंट से भी जुड़ सकता है और नाभिक स्नेही बैक साइड से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इससे अब दो उत्पाद बनने चाहिए, मतलब जहां से BR हटा वहां भी OH आ सकता है और उसके विपरीत दिशा में भी OH आ सकता है, लेकिन हम यहां एक ही इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं लिया, है ना। प्रकाश सक्रिय का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें असममित कार्बन हो, जो चार विभिन्न परमाणु या समूहों से जुड़ा हो। तो यहां अगर ऐसी भी अभिक्रिया दिखाता हूं जिसमें चार विभिन्न परमाणु या समूह लेंगे, तो वहां हम दो उत्पाद दिखाएंगे, और वो दो उत्पाद का मतलब है रेसमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है ना, रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे देखें, अगर यहां पर ऊपर मैथिल की जगह तो मैंने मैथिल ही रखा, लेकिन दूसरी जगहों पे यहां एथिल कर दिया, एक जगह एच कर दिया और एक जगह BR कर दिया, है ना। और इसकी अभिक्रिया से अगर अपन वो उत्पाद बनाएं, तो यहां इस प्रकार से हमें दो उत्पाद मिलेंगे। ये आप लिखें CH3 C2H5, एच और OH, और एक हमें OH अपोजिट साइड वाला। इस तरह से दो उत्पाद प्राप्त होंगे, है ना। तो इस मिश्रण को रेसमिक मिश्रण कहते हैं। ये प्रकाश प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता, है ना। इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लियो होगा, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लियो। मिश्रण जो है कुल मिला के प्रकाश सक्रिय नहीं रहा, हालांकि अलग अलग तो दोनों प्रकाश सक्रिय हैं, पर बराबर मात्रा में होने के कारण एक का रोटेशन दूसरा कैंसिल कर रहा है ना, इसलिए ये रेसमिक मिश्रण प्राप्त हो जाता है किसमें, SN1 अभिक्रिया के अंदर। तो अगर इस अभिक्रिया के गुणों की बात करें, क्या क्या चीजें आपने इसमें देखी, तो ये अपन देखते हैं दो पदों द्वारा संपन्न हो रही है, टू स्टेप रिएक्शन, है ना, टू स्टेप रिएक्शन। दूसरा, आप रेट के बारे में बताएं, इसमें अभिक्रिया की दर जो है किस पर निर्भर कर रही है, केवल स्लो स्टेप से पहले यही रिएक्टेंट आ रहा है, केवल इस पर निर्भर करेगी। तो रेट जो है CH3 whole thrice CBR, इसकी सांद्रता पे ही निर्भर कर रही है। तो ऑर्डर कोटि कितनी हुई, Order is equal to 1। जो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन टर्म की कितनी पावर है उससे हम कोटि ज्ञात करते हैं। और एक्सपेरिमेंट में भी इसको कैसे निकाला होगा, देखो पहले हमने एल्किल हैलाइड को 1 मोल लिया और नाभिक स्नेही को भी 1 मोल लिया, है ना, उससे रेट आ गई सपोज एक्स। उसके बाद आपने एल्किल हैलाइड को तो 1 मोल ही रखा, लेकिन नाभिक स्नेही का परिवर्तन करके 2 मोल ले लिया। अब उसमें फिर से रेट देखी, तो फिर से भी रेट वही एक्स ही आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि दर नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं कर रही, इस रिएक्शन की रेट नाभिक स्नेही के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि हम कितना भी कंसंट्रेशन नाभिक स्नेही का बदलते हैं तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वहीं अगर हम एल्किल हैलाइड को 1 मोल की जगह 2 मोल लेते हैं और नाभिक स्नेही को 1 मोल ही रखते हैं, तो आप देखते हैं कि 2 मोल लेने पर रेट डबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, रेट एल्किल हैलाइड की सांद्रता के एक घातांक पर निर्भर कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट से जो हम रेट लॉ निकालते हैं इस तरह से, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कितने पावर पे रेट डिपेंड करती है वो उसका ऑर्डर है, कोटि है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि यहां पर 1 आ गई है। और यहां पर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त हो रही है ना, तो यहां इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। चौथी बात आप देखें,
नाभिक स्नेही का आक्रमण कहां से हो रहा है? दोनों दिशाओं से हो सकता है, क्योंकि समतल मध्यवर्ती है, sp2 संकृत कार्बन वाला मध्यवर्ती है, तो नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से है, बोथ साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये अभिक्रिया किस प्रकार का एल्काइल हैलाइड अधिक मात्रा में दिखाएगा? क्रियाशीलता की बात करें तो तृतीयक एल्किल हैलाइड का बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है। क्यों ज्यादा स्थायी होता है तृतीयक कार्बोकैटायन? 3° कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कोई चार्ज्ड स्पीसीज अगर बनती है, उस चार्ज के कंसंट्रेशन को प्रेरणी प्रभाव या अनुनाद किसी भी द्वारा से हम कम कर सकते हो तो वो उस आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। यहां पर आप देख रहे हैं तृतीयक कार्बोकैटायन में तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, है ना? ये मैथिल समूह क्या लगा रहे हैं? प्लस आई प्रभाव, 3+ I इफेक्ट। जितना प्लस आई प्रभाव अधिक होगा उतना पॉजिटिव चार्ज की सांद्रता घट जाएगी और उतना ही इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो तृतीयक हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है SN1 अभिक्रिया के लिए, ठीक है? तो 3° हैलाइड अधिक क्रियाशील, उससे कम 2° हैलाइड, उससे कम 1° हैलाइड और उससे कम है मेथिल हैलाइड। इसके बाद विन्यास की बात करें कि प्रोडक्ट में हमें किस प्रकार से विन्यास क्या होता है? किसी असममित कार्बन के चारों तरफ जुड़े हुए परमाणु या समूह, उनका अंतरिक्ष में ओरिएंटेशन कैसा है, वो चीज विन्यास कहलाती है। तो यहां आप देखते हैं हमें दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि हम प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से शुरू करते हैं तो दोनों उत्पाद प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हमने ये प्रकाश सक्रिय नहीं लिया तो फिर हम एक ही लिख देते हैं, तो इसमें हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसको कहते हैं कि यहां रेसिमीकरण हो रहा है, रेसिमाइजेशन। और क्योंकि यहां आयन बन रहे हैं, किस प्रकार का विलायक इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होगा? पोलर सॉल्वेंट। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना आसानी से अभिक्रिया हो पाएगी, तो यहां हमें पोलर सॉल्वेंट के द्वारा अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं SN1 अभिक्रिया के, है ना? इसी तरह से अब हम SN2 के बारे में पढ़ते हैं। SN2 जो है, पहले बोर्ड पे ही समझा देता हूं। SN2 SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। इन बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि कार्बन sp3 संकृत है, इन बॉन्ड्स के बारे में अपन बताएं तो ये दोनों बॉन्ड तो बोर्ड के प्लेन में हैं, लेकिन जो अपन इस तरह से बोल्ड दिखाते हैं ये फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड है, मतलब बोर्ड से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड, और जो डॉटेड लाइन पे दिखाया गया है वो बोर्ड से पीछे की तरफ जाने वाला बॉन्ड है। तो ये मिथाइल क्लोराइड हमने दिखाया, इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे की तरफ से इस तरफ से कार्बन पे होगा, और साथ साथ में ये Cl अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहां देखो, एक OH के द्वारा नया बंध का बनना और कार्बन क्लोरीन के बंध का टूटना दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। जबकि इस अभिक्रिया में क्या था, यहां पहले C और Br का बंध पूरी तरह से टूट गया, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बना और Br नेगेटिव आयन बना, और यहां क्या होगा, यहां इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आएगा, संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी, जहां OH का बंध कार्बन से बन रहा है और Cl का बंध कार्बन के साथ टूट रहा है। तो ये क्रॉस लगा देता हूं, टूटने वाला बंध और ये नया बनने वाला बंध,
ये क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट और इस इंटरमीडिएट में यह फर्क है कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम देर के लिए पाया जाता है, इसका स्थायित्व नहीं है, ना ही इसे आइसोलेट कर सकते हैं, ना इसे पढ़ सकते हैं, इमेजिनरी है। जबकि मध्यवर्ती स्पीसीज का अपना स्टेबल एग्जिस्टेंस है, उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन भी किया जा सकता है, तो ये मध्यवर्ती है ना। और इससे प्रोडक्ट जो बनेगा, आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप अपने को पहले लेफ्ट में दिख रहे थे ना, वो ग्रुप देखो अब राइट पे आ गए। जो ग्रुप पहले लेफ्ट में दिख रहे थे ना एच तीनों, वो देखो अब दाईं तरफ आ गए। जैसे तेज बारिश में अपन अगर छतरी लेके जाएं, हवा के प्रेशर से कई बार छतरी उलट जाती है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे भी जो ग्रुप लेफ्ट में थे वो राइट में आ गए। इसे कहते हैं वॉल्डन प्रतिपन, वॉल्डन इन्वर्जन। तो यहां क्या हुआ है, वॉल्डन इन्वर्जन हो गया। इस इन्वर्जन को हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं अगर हम प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक लें। इन्वर्जन का मतलब है जैसे आर कॉन्फ़िगरेशन एस में बदल जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आर में बदल जाएगा। इस आरएस के बारे में भी मैं बताता हूं कि अगर हम प्रकाश सक्रिय लेने का मतलब है, इसी में चेंज कर रहा हूं कि मैंने इसको तो ले लिया इथाइल सब एथिल समूह, ये वाला हमने ले लिया मैथिल समूह, और ये एच और ये सीएल, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कहूं कि विन्यास निकालो, विन्यास का मतलब कार्बन असममित कार्बन से जुड़े हुए परमाणु या समूहों को परमाणु क्रमांक के हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है ना। तो ये प्राथमिकता देंगे तो यहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ सीएल है, कार्बन से जुड़ा हुआ एच है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो उच्चतम प्राथमिकता किसको दी जाएगी, सीएल को। और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, तो इसमें तो कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, यहां अगर अपन खोल के लिखें तो ये CH2 CH3, CH2 वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे और एक कार्बन जुड़ा होगा, तो ये इन दोनों में से ये सेकेंड प्रायोरिटी एटम हो गया, ग्रुप हो गया, और ये थर्ड प्रायोरिटी हो गया, है ना। अब 1 से 3 की तरफ आप अपनी आंख को घुमाएं या 1 से 3 की तरफ एरो बनाएं, जैसे 1 से 3 की तरफ अपन एरो बनाएं तो ये 1, 2 और 3 इस तरह से एरो बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो कौन सा विन्यास हुआ, एस विन्यास। जब भी निम्नतम प्राथमिकता वाला परमाणु या समूह इस डॉटेड लाइन पे दिया हुआ हो तो केवल इन तीन समूहों को देख के अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में इस तरह से होता तो आर विन्यास, और घड़ी के विपरीत दिशा में है तो ये एस विन्यास। तो यहां पर विन्यास एस आ गया। इसी का मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊं, प्रोडक्ट बनाते टाइम पे आप देखें इसका ट्रांजिशन स्टेट ये वैसे ही C2H5 आ जाएगा, ये मैथिल समूह तो ये CH3 हो गया, और ये H और ये Cl। इसी तरह से यहां पर भी ये C2H5, ये CH3 और ये H। इसमें भी विन्यास ज्ञात कीजिए, तो इसमें विन्यास ज्ञात करते हैं तो कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, उच्चतम परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का है, इसको प्रायोरिटी 1 देंगे। इन दोनों में से क्योंकि CH2 CH3 है ये सेकेंड प्रायोरिटी, और ये CH3 है तो थर्ड प्रायोरिटी। अब 1 से 3 की तरफ अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आर विन्यास। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें अपन आर विन्यास प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं वॉल्डन प्रतिपन, एस विन्यास से आर विन्यास में परिवर्तन होना, ठीक है। आर से एस या एस से आर, इस चीज को हम वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखते हुए SN2 के अगर अपन पॉइंट लिखते हैं तो क्या क्या बातें सामने आती हैं, जैसे SN1 अभिक्रिया तो 2-स्टेप रिएक्शन थी, और ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी है, इट इज अ 1-स्टेप रिएक्शन, एक ही पद में होने वाली अभिक्रिया, ये इमेजिनरी है, 1-स्टेप रिएक्शन है ये। यहां हमने रेट देखा केवल इस एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है और नाभिक स्नेही पे नहीं कर रही थी, यहां रेट किस पे डिपेंड करेगी, ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप से पहले दोनों रिएक्टेंट आ गए, एल्काइल हैलाइड भी आ गया और नाभिक स्नेही भी आ गया, तो यहां रेट किस पे डिपेंड करेगी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल भी
और एल्काइल हैलाइड भी। सपोज पहले वाला ही लिख लेते हैं, सी एच थ्री सी एल लिखा था अपन ने, तो वो ही लिख लिया है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? दो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर को जोड़ के हम ऑर्डर ज्ञात करते हैं। तो यहां अभिक्रिया की कोटि दो हो गई। यहां मध्यवर्ती बन रहा था कार्बोकेटायन, और यहां क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। तो तीसरा पॉइंट हो गया ट्रांजिशन स्टेट का बनना। चौथे में हमने लिखा था यहां नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से हो रहा था, क्योंकि प्लेनर कार्बोकेटायन है ना, प्लेनर मध्यवर्ती बन रहा था। यहां पर क्या होगा? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां क्रियाशीलता के देखी तो हमने देखा कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील है SN1 अभिक्रिया के लिए। लेकिन SN2 में ध्यान दो, जब नाभिक स्नेही पीछे की ओर से आक्रमण कर रहा होता है तो अगर ये H होंगे तो यहां त्रिविमीय बाधा नहीं होगी और आक्रमण आसानी से होगा। तो मैथिल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, और अगर हम मैथिल समूह लगाते जाएं, कोई भी एल्किल समूह लगाते जाएं, तो द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता घट जाएगी। तो यहां रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखें तो मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हाईएस्ट, उससे कम 1 डिग्री हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री हैलाइड। सिक्स्थ पॉइंट आप देखें, यहां हमने लिखा कि रेसिमीकरण होता है। अगर प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक SN1 में शुरू किया था तो नाभिक स्नेही के दोनों साइड से आक्रमण करने के कारण हमें दोनों तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं और रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन यहां क्या है? वॉल्डन प्रतिपन, यहां एक तरह का विन्यास दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां लिख लेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। उसके बाद देखें, ये हमने लिखा था क्योंकि यहां आयन बन रहे थे तो पोलर सॉल्वेंट इसको फेवर कर रहा था, यहां किसी प्रकार का आयन नहीं बन रहा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो इसके लिए लास्ट कंडीशन सॉल्वेंट वाइज देखें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम ग्राफ में दिखाना चाहें, है ना, ग्राफ में दिखाने का मतलब है जैसे यहां हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट से इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये जो जगह है ना वो दिखाता है कि ये इंटरमीडिएट बन रहा है, यहां ये रिएक्टेंट लिखा, ये प्रोडक्ट लिखा, और ये जो कर्व के अंदर डिप्रेशन का पॉइंट है जहां ऊर्जा थोड़ी कम आई है, क्योंकि इस आयन का थोड़ा स्थायित्व है, स्थायी तभी होगा जब ऊर्जा थोड़ी कम होगी, तो यहां ये ऊर्जा का मान जहां घटा है ये चीज इस मध्यवर्ती को दिखाता है। ठीक है, इस ग्राफ इसके लिए अगर अपन एक स्टेप की रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है ये ट्रांजिशन स्टेट को दिखाता है। ठीक है, तो वहां एक स्टेप की रिएक्शन के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा, जहां जो एनर्जी की पीक आ रही है, हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट है, वो इस ट्रांजिशन स्टेट को दिखाता है। जितनी ऊर्जा ज्यादा है उतना इसका स्थायित्व कम हो गया, और ना ही हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं ना इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए दोनों SN1 और SN2 के रिएक्शंस के बारे में। यहां भी हमने एक SN1 रिएक्शन दिखाई है। देखो यहां SN1 रिएक्शन को प्राथमिक हैलाइड से दिखाया गया है, लेकिन ये प्राथमिक हैलाइड जो है ये काफी हिंडर्ड हैलाइड है। ये प्राथमिक हैलाइड है, ऐसा कार्बन जिसपे Cl है वो एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन उस कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, काफी यहां त्रिविमीय बाधा है ना। और इस वाले में प्राथमिक होते हुए भी SN1 इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें देखो बनने वाला कार्बोकेटायन प्राथमिक बना था, लेकिन रीअरेंजमेंट के द्वारा वो तृतीयक कार्बोकेटायन में बदल गया। तो ऐसा अगर नियोपेंटाइल क्लोराइड हो तो SN1 अभिक्रिया के द्वारा पहले उसमें प्राथमिक कार्बोकेटायन बनता है, और इस प्राथमिक कार्बोकेटायन में एक मैथिल समूह, देखो ये वाला मैथिल समूह ना,
इस कार्बन पे चला गया और इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ गया, है ना। ये मिथाइल एनायन क्यों लिखा है, क्योंकि ये कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये इलेक्ट्रॉन भी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ लेके इस कार्बन पे जुड़ गया। वो देखो यहां आगे दिखा दिया, CH2 के आगे अपन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा CH3 को जोड़ दिया और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ गया। तो प्राथमिक कार्बोकैटायन तृतीयक कार्बोकैटायन में बदल रहा है, इसलिए ये नियोपेंटाइल क्लोराइड में भी SN1 अभिक्रिया पाई जाती है। फिर फास्ट स्टेप के द्वारा इस कार्बोकैटायन पे OH जुड़ जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरह से ज्यादातर तो 3 डिग्री हैलाइड ही देता है, पर कुछ केसेस में जहां बनने वाले कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी आ रही हो वहां SN1 रिएक्शन हो जाती है। जैसे बेंजाइल के केस में, बेंजाइल हैलाइड अगर अपन लेते हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व हो जाता है, इसलिए वो बेंजाइल प्राइमरी होते हुए भी SN1 अभिक्रिया दिखा सकता है। ये वही SN2 रिएक्शन दिखाई है जो बोर्ड पे हमने समझा दिया है, है ना, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट, यहां ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक से ही दिखाई हुई है, जहां पर कि एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल, एक एच और एक बीआर लिया था, और जो ग्रुप पहले इधर लेफ्ट में दिख रहे थे वो ग्रुप देखो राइट पे आ गए हैं, और न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक, पीछे की ओर से आक्रमण, जैसे हमने बोर्ड पे तो दिखाया ही इसे पीछे है, OH नेगेटिव को पीछे से आक्रमण करता हुआ दिखा दिया है और उस तरह से प्रोडक्ट आ गया है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपनी बच गई। प्रतिस्थापन में तीनों प्रकार, पहले मुक्त मूलक देखा, फिर नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कौन दिखाएगा, ऐसे रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो स्वयं इलेक्ट्रॉन धनी हो, उन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कर सकता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन की रिंग जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाया जा सकता है। तो अपन अब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया देखें। बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, है ना, और इसकी रिएक्शन मान लो हम क्लोरीन से कराते हैं, और यह हमने कराया डार्क कंडीशन में FeCl3 की उपस्थिति में। तो बेंजीन में आप जानते हैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, है ना, तो यहां पे एक हाइड्रोजन इस Cl द्वारा प्रतिस्थापित होके क्लोरोबेंजीन बना देगा प्लस HCl। अब यह तो हुआ, सिंगल स्टेप में हमने रिएक्शन को दिखा दिया, किस प्रकार की रिएक्शन है, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, ये रिएक्शन यहां किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल H को प्रतिस्थापित करता है, इसकी क्रियाविधि अगर अपन देखें तो ये जो Cl2 है FeCl3 की उपस्थिति में, इसमें विषमांश विखंडन होगा। विषमांश विखंडन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही Cl पे जाएंगे, वो तो बनेगा Cl नेगेटिव, और जो दूसरा Cl पॉजिटिव बनेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। तो इस तरह से हमें मिलेगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। अब ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसमें हमने पढ़ा जो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन शुद्रता होती है और धनी केंद्र पर आक्रमण करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की वलय पर आक्रमण करेगा। तो दूसरे स्टेप में अब इलेक्ट्रोफाइल के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को काम में लेके और Cl से बॉन्ड बना लेगा। कैसे, यहां हम इन दोनों बॉन्ड को एज सच रख दें और ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में लेके, ये एक तो H होगा और एक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में लेके यहां पे Cl के साथ बॉन्ड बन गया। क्या इस जगह पे कोई चार्ज आएगा, हां इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चला गया। अब जब भी कोई प्लस या माइनस चार्ज के संयुग्मन में द्विबंध हो तो उसमें अनुनाद होगा, रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो सकता है। कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा,
फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर ये वाला इधर जा सकता है और यहां प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये मध्यवर्ती में अनुनाद के द्वारा स्थायित्व है। ना और लास्ट स्टेप में क्या होगा, वो H H प्लस के रूप में निकल जाएगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पे बॉन्ड बना देंगे, है ना। जैसे सपोज इस वाले से दिखा देता हूं, यही स्पीसीज मैंने यहां वापस दिखाई है। इन सबको हम संकर के रूप में भी दिखा सकते हैं। संकर के रूप में दिखाने का मतलब है ऐसा, ये इसका मतलब होता है कि ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रह सकते हैं रिंग में, है ना। और प्लस का चार्ज भी यहां से लेके यहां तक रेजोनेट कर सकता है, अनुनाद दिखा सकता है। अब इसमें H प्लस आयन वापस निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहां बन जाएंगे और हमें क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन प्लस H प्लस। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट पूरी तरह से काम नहीं आता, है ना। कैटलिस्ट वापस बन जाता है अभिक्रिया के अंदर। तो यहां भी क्या हो रहा है, ये H प्लस इस FeCl4 नेगेटिव से कंबाइन करेगा और वापस से FeCl3 और HCl बना देगा। तो फोर्थ स्टेप में आप देखें ये H प्लस FeCl4 नेगेटिव के साथ HCl प्लस FeCl3। तो इस रिएक्शन में जहां FeCl3 कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वो कैटलिस्ट ऐसा लग रहा है शुरू में इलेक्ट्रोफाइल बनाने में काम आया, लेकिन लास्ट स्टेप में वापस बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये FeCl3 बन गया। और अगर इन चारों को जोड़ें, चारों स्टेप्स को जोड़ें, तो ये स्टेप आ जाएगा। तो ये कहलाती है क्रियाविधि कि जिस तरह से रिएक्शन हो रही है ना। उसके अलावा अगर यही रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में की जाए, जैसे मान लो रिएक्टेंट हमने दे दिया आपको CH3 टॉलवीन, तो एक तो हमने ये रिएक्शन दिया, इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा Cl2 इन डार्क कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन दिखाएगा, यानी कि CH3 का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ऑर्थो और पैरा। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ही Cl पॉजिटिव को ऑर्थो पे और पैरा पे डायरेक्ट करेगा। तो यहां हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ऑर्थो क्लोरोटॉलविन और पैरा क्लोरोटॉलविन। लेकिन अगर यही रिएक्शन Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में की जाती है, तो क्या उत्पाद आएंगे, तब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन नहीं रहेगी, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन बन जाती है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन बनने पे साइड चेन में से H हटके और Cl आएगा, तब यहां प्रोडक्ट क्या आया, बेंजाइल क्लोराइड। यहां इस तरह से CH2Cl प्लस HCl, इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शंस में ये फर्क है, ये तो है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन और यहां हमने वापस से लाइट के प्रेजेंस में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन दिखा दिया। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में यहां Cl का समांश विखंडन होगा और Cl फ्री रेडिकल बनेगा। और यहां कैसा हुआ था, यहां हमने देखा कि विषमांश विखंडन से क्लोरोनियम आयन बना, इलेक्ट्रोफाइल बना। तो इस तरह से डिफरेंस देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन इस तरह से। अन्य अभिक्रियाओं में देखें तो योगात्मक अभिक्रिया दिखाई है एक, यहां असंतृप्त क्रिया कारक दिखाया एल्कीन, जिसपे हमने HBr को जोड़ा, एक कार्बन पे H और एक पे Br जुड़ के संतृप्त उत्पाद बन रहा है ना। ये एडिशन रिएक्शन है और ये एडिशन रिएक्शन भी इसी तरह से कई प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक, मुक्त मूलक द्वारा अगर योग होता है तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, है ना। तो इसी तरह से नाभिक्स नहीं है वो करे तो नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट ये दिखाया है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में हमने संतृप्त क्रिया कारक लिया यहां पे, सैचुरेटेड रिएक्टेंट, जहां इस कार्बन पे से OH और इस कार्बन पे से H हट रहा है, देखो वाटर के फॉर्म में, है ना। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये हमें सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल गया। ये कहलाती है विलोपन अभिक्रिया, है ना। डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का रिमूवल से एल्कीन प्राप्त हो रहा है। ये नीचे वाली देखें, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में आप देख रहे हैं यहां H था लेकिन यहां मैथिल समूह आ गया। ये जो मैथिल समूह है
वो इस जगह पे आया और एच सी एच थ्री बनाने में काम आ रहा है। तो यहां ये एक ही मॉलिक्यूल में कोई एटम या ग्रुप अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे आता हो तो उसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन में बताएंगे किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ये देखो अनसैचुरेटेड असंतृप्त क्रियाकारक दे रखा है और HCl अभिकर्मक के रूप में दिया और यह प्रोडक्ट बन गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड हट गया और यहां पर सिंगल बॉन्ड रह गया और इसमें इसका मतलब यह हुआ एक कार्बन पे H और एक पे Cl जुड़ रहा है, ठीक है। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है जब भी अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है तो एड होने वाले रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहां कम हाइड्रोजन उपस्थित हो, कहा जाता है इसे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा ये हमें 2-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। तो इनमें से कौन सा आंसर, फोर्थ एडिशन रिएक्शन, फोर्थ आंसर। धन्यवाद, थैंक यू।